we are not doing the collision theory on hard speed mode. So collision theory में basically यही बताया गया है कि during the process of any chemical reaction, अगर एक डाई मॉलिकुलर सिस्टम है, यानी कि दिस इज एलिमेंटरी डाई मॉलिकुलर सिस्टम, जिसे इसी की बात करते हैं कॉलेज में, इसमें दो मॉलिक्यूल्स अज्यूम किया जाता है कि ये जो हार्ड स्पीयर्स एंड दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड गिव राइज टू प्रोडक्ट. कोलिजन के दौरान जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी मस्ट ओवरकम द एक्टिव स्पीयर्स. सो देयर आर सेवरल पोस्टुलेट्स, पांच एग्री. पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि दे आर हार्ड स्पीयर्स. ओके, हार्ड स्पीयर्स होंगे. सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि फॉर अ रिएक्शन दिस हार्ड स्पीयर्स मस्ट कोलाइड, एक दूसरे से कोलिजन होना ही होगा. तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि इट शुड ओवरकम एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी को जो है इसको तोड़ना होगा, तभी ये कोलिजन सफल होगा, तभी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन आगे बढ़ेगा, तभी कोलिजन बनेगा. चौथा प्रोस्टुलेट कहता है कि जो ये जो पार्टिकल्स हैं सिस्टम में, दे फॉलो बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल पाथवे. एकदम रैंडम पाथवे होता है, एक बार मैं इससे पढ़ लेता हूँ बुक से. जो फोर्थ प्रोस्टुलेट है, द रेट ऑफ रिएक्शन, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन ऑब्जर्विंग एक्टिवेशन एनर्जी क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट. कहाँ जाएंगे? ओके, हाँ, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन मैक्सवेल इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिकुलर वेलोसिटी इज मेंटेन. ओके, मैक्सवेल इक्विलिब्रियम ऑफ मॉलिकुलर जो मूवमेंट है उसको मेंटेन करना होगा, तभी ये सफल बन जाएगा. और पांचवा और आखिरी है कि दे, मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ब्रोवियन मूवमेंट है का बोल्ट्जमैन मैक्सवेल मूवमेंट. रेट ऑफ रिएक्शन पांचवा इंक्रीजेस ओनली व्हेन कोलुजन पर मिनट इंक्रीजेस. यानी एक मिनट में जितना ज़्यादा कोलुजन होगा उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. सो डाई मॉलिकुलर एक एग्जांपल देते हैं, जैसे I2 है प्लस Br2 है, दिस गिव IBr2. ओके, तो ये एक एग्जांपल है. अब सीधा आते हैं मेन मुद्दे पर कि इसका डेरिवेशन कैसे होगा. बहुत ही अजीब सा डेरिवेशन है. निकालना क्या है हमको निकालना है कोलिजन नंबर का कांस्टेंट. ओके, कांस्टेंट ऑफ कोलिजन नंबर जिसको कहते हैं, या सीधे सीधे हमको निकालना है कोलिजन थ्योरी का रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट ऑफ कोलिजन थ्योरी, तो बोला ये जाता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोलिजन इन 1 लीटर, लीटर है कि ml है, पर ml है, इन टू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. तो ये है द रेट ऑफ द रिएक्शन. आगे बढ़ते हैं सीधा डेरिवेशन के साथ. तो डेरिवेशन के हिसाब से हमको निकालना है सबसे पहले द रेट ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पर इसको नंबर से डिनोट किया था, dn अपॉन dt लिखा जाता है, बजाय dx के dn अपॉन dt. और एक बेसिक फार्मूला जो कि अरहेनियस फार्मूला भी कहा जाता है, हालांकि इसका डेरिवेशन हमें पढ़ा नहीं बदलेंगे. तो ये होता है जेड, बट अरहेनियस पे होता है, यहाँ पर जेड है. जेड इज लाइक ए नंबर, लाइक हाँ नंबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. जेड ab, ओके, हम ab लिख सकते हैं.
E upon R. So this is the Arrhenius का जो इक्वेशन है उसके अंदर आएगा, तो हमको ये लिखना ही पड़ता है कोलिजन थ्योरी में। अब हमको इसी से आगे बढ़ना है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले जेड ए बी की वैल्यू निकाली जाती है। जेड ए बी इज इक्वल टू एन ए, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स एन बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी मॉलिक्यूल्स सिग्मा ए बी का स्क्वायर, यानी कि ये है उसका साइज या डायामीटर बोल सकते हैं स्पीयर्स का, 1/8 kT। ये फॉर्मूला में आता है 1/ma प्लस 1/mb के, और ये पूरा फॉर्मूला आ जाता है 1/2। सो दिस इज जेड ए बी। अब हम जेड ए बी की इस वैल्यू को हम इसमें डालेंगे इस फॉर्मूले में कि नेगेटिव dn अपॉन dt कैन बी रिटन एज एन ए एन बी सिग्मा ए बी होल स्क्वायर 8 kT 1/a प्लस 1/mb 1/2 इंटू ई अपॉन आर। सो दिस इज द dn अपॉन dt का जो वैल्यू है। लेकिन हमको पता है dn अपॉन dt ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को या रेट कांस्टेंट को ऐसे भी लिखा जाता है k n a, लिख सकते हैं ऐसे इंटू n ओके। यानी कि ये और ये हम दोनों में अगर सिमिलरिटी देखें तो n a n b तो है, ये जो वैल्यू है ये वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट k है, यानी कि k इज इक्वल टू सिग्मा ए बी होल स्क्वायर 8 kT 1/ma प्लस 1/mb 1/2 e negative e upon rt and k इसी को और अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है a इंटू टी 1/2 इंटू ई अपॉन आर टी। सो दिस इज आवर बेसिक फॉर्मूला और हम इसको नाम देते थे इक्वेशन ओके। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ पर ए डैश डाल दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब इसी को हम लॉग में पुट कर देते हैं सीधा, ln k हो जाएगा, एंड डेरिवेशन करना है इसका ओके। पुट्टी लॉगरिथम एंड डेरिवेटिंग द होल फॉर्मूला, डेरिवेटिंग द होल पूरी चीज को हम डेरिवेट करेंगे। तो ln k डेरिवेट करेंगे, dt नीचे लग जाएगा इज इक्वल टू ln a ओके, ln a अपॉन dt जस्ट अ सेकेंड। अच्छा ये सब छोड़ देते हैं, चलो कर देते हैं 1/2 टी ln प्लस ई अपॉन आर टी। और जब हम ये सब पूरा हटा देंगे ln के टी टी, लास्ट में जो बचता है वो होता है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना एक सेकेंड ओके, वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो हमने यहाँ पर ना पहले लॉग पुट किया, अब जब पूरा प्रॉपर डिफ्रेंसिएशन होगा तब लास्ट में एक ही वैल्यू बचेगा, वो होगा e अपॉन आर टी स्क्वायर। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट के लिए, हो गया रेट कांस्टेंट, दिस इज फॉर्मूला। अब इसको आगे और लिखा जाता है, किस फॉर्म में लिखा जाता है देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आया है ln k अपॉन dt e अपॉन rt स्क्वायर। अब चूंकि हम एक डायमोलिकुलर सिस्टम में अभी तक देख रहे थे, हम एक मोनोमोलिकुलर सिस्टम में देखते थे जहाँ पे एन ए इज इक्वल टू एन बी। सो k कैन बी रिटन एज k
एन ए स्क्वायर ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं। हालांकि ये सिग्निफिकेंट नहीं है अभी तक, इसका मुझे सिग्निफिकेंट समझ बुक में ये दिया हुआ है, पर आई डोंट नो व्हाट इज दिस। बुक में दिया हुआ है इसको लेवल क्या गया, वेयर रिएक्शन हैपेंस बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स एंड सीधा दे दिया गया के एन ए स्क्वायर। अब फिर सीधा ये जंप कर देता है कॉलिजन नंबर पे। कॉलिजन नंबर को डिनोट किया जाता है फॉर मोनोमोलिकुलर की बात चलिए। कॉलिजन नंबर जेड से डिनोट किया जाता है, जेड ए ए इज इक्वल टू यहाँ पर वही जो शुरू में हुआ था एन ए एम बी एन ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर। यहाँ पर जो एट था वहाँ यहाँ हो जाएगा फोर आर टी पाई आर टी एंड एन ए एम बी नहीं होगा एम ए बस होगा और ये जो है फोर इट कम आउट यानी कि जेड ए ए इज इक्वल टू फोर एन ए स्क्वायर सिग्मा ए स्क्वायर पाई आर टी एन ए वन बाई टू। ओके सीधा सीधा इसको ऐसे लिखते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक सही फॉर्मूला निकालना होगा यहाँ से, दैट इज अगर ये जेड ए ए की वैल्यू है और के एन ए स्क्वायर यानी कि ये दिस इज वैल्यू ऑफ के, तो हम के को कैसे लिख सकते हैं। तो के कैन बी रिटन एज दिस थिंग जेड ए ए इन टू ई नेगेटिव ई आर टी। ओके यानी कि ये जो वैल्यू है ये जेड की वैल्यू है और के की वैल्यू होती है जेड इन टू वो ई वाला जो फॉर्मूला है इज इक्वल टू के। तो हमने वही किया यहाँ पर सीधा के की वैल्यू लगा दी के इज इक्वल टू जेड ए इन टू ई आर टी। ओके डन।